यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है और साथ ही इस बार गुरुग्राम का न्यायिक परिसर में पोस्टर ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में अध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, सचिव और सह सचिव के पद पर चुनाव होने हैं। 6 अप्रैल को 2700 वकील अध्यक्ष का फैसला करेंगे। हालांकि नए प्रधान से वकीलों को ये आस होगी कि वो वकीलों के हित में काम करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे अजय चौधरी का कहना है कि नए वकीलों को भी वरिष्ठ वकीलों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। और मुद्दे हमेशा से बार और बेंच के समन्वय के और जो अपने नए साथी जुड़ते हैं उनको जगह दिलाने के, बार की रेस्पेक्ट के, बेंच के साथ अपने नए साथियों के एक अच्छे समन्वय को स्थापित करने के लिए मुद्दे होते हैं। बेसिक समस्या जो अभी बार के अंदर जो है वो ये, नए साथियों को बैठने के लिए जगह नहीं है। स्ट्रेंथ हमारी 5000 हो चुकी है और जो बार में चैम्बर्स हैं वो लगभग 500 के आसपास हैं। कुछ उसमें पक्के हैं और कुछ अभी पोटा केबिन्स जो बने हुए हैं टेम्परेरी शेड्स, और कुछ लोग टेम्परेरी शेड्स में बैठ रहे हैं। तो बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है वो बैठने की समस्या, वकीलों के पास जगह नहीं है बैठने को, स्पेस कम है। वैसे नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें भी चैम्बरों की व्यवस्था अभी तक प्रपोजल भी नहीं आया है कि कितने चैम्बर्स बनने, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इस विषय पर कोई बातचीत है नहीं। दूसरी एक समस्या जो है, जो नए हमारे साथी हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की समस्या है कि जो सम्मान हमारे सीनियर अधिवक्ताओं को बेंच देती है वो सम्मान हमारे जूनियर साथियों को, हमारे नए जो अभी अपकमिंग जो लॉयर्स हैं जो आने वाले समय में सीनियर होंगे, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। उस समन्वय स्थापित करना, उन लोगों को भी वही सम्मान दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है।